इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है, सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते, हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे भाई। हम लोग जो कपड़ा सीने के लिए सुई इस्तेमाल करते हैं, जो पाँव में पहनने के लिए जूता इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम के अंदर जो हमारे वो जो सामान लगा होता है वो सारा भी चाइना का है। ये अब मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक आप देखें, आपका आपका कपड़ा, आपकी ये आप जरूर आपके आप इस माइक पे चेक कर लें, आप कैमरे पे चेक कर लें, ट्राईपोड पे चेक कर लें, लाइट पे चेक कर लें, मेड इन चाइना ना मिले ना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगी, आप कसम से मेरे बाल काट देना। आपके जितने त्यौहार थे, जैसे आप कह लें बसंत, आप कह लें शबे बरात, अगर आप शबे बरात को लें इन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप बात करें पटाखों की, हमारे दिल्ली दरवाजे में और इस तरह की जगहों पर बिकते थे, उसका ये होता है कि वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ही है। आपकी दिल्ली दरवाजे में पटाखे बिक रहे हैं, जैसे ही आप लेके बाहर आते हैं तो आगे पुलिस खड़ी होती है दिहाड़ी लगाने के लिए। आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पामोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती ग्रे चैनल से और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोड़िया बाजार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे हुए आपको सारी इंडियन, हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का इंडियन देते हैं, और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैन्युफैक्चर। एक मिडिल क्लास बंदा एक ईद का सूट मुझे खरीद के दिखा दे हर बंदे अपने पूरे खानदान के लिए, हो ही नहीं सकता सर। 35,000-25,000 नीचे बात ही नहीं हो रही, ठीक है ये लोकल चीज़ों का। अच्छा जो लोकल मयारी चीज़ें हैं उनका तो हाथ ये है कि उनको हाथ ही नहीं डाला जा सकता, ठीक है जो लोकल लोकल चीज़ है उसको आप देख ले वो। आप देखो यही इंडिया की जो चीज़ें हैं मेड इन इंडिया लोकल चीज़ें वो कितनी सस्ती हैं, बिल्कुल आप उनका उनका कोई भी चीज़ उठा के देख ले, कोई भी। मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर आपको टेस्ला 20 लाख में मिलती है। आपका नाइकी, रीबॉक, पूमा, जब भी बाहर से हमारे रिलेटिव्स ने लेके आते थे कपड़े, मेड इन पाकिस्तान का टैग होता था, एक ब्रांड रिनाउंड होती थी चीज़। अब बांग्लादेश आता है, अब आपका टर्की आ जाता है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कॉटन भी ख़त्म हो रही है, हम खुद अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। अगर मेड इन पाकिस्तान की कैंपेन लें, आप खुद सोचें कि अगर कोई मेड इन पाकिस्तान की शर्ट या कोई चीज़ पड़ी होगी या कोई जूते कुछ भी, कितने पाकिस्तानी हैं जो लेना पसंद करेंगे। नाज़रीन, इस बार होली पे इंडियंस ने चाइनीज़ को बड़ा धचका दिया है। हर साल होली के त्यौहार पर चाइना जो है वो इंडियन मार्केट में अपने होली प्रोडक्ट थ्रो करता था और 2 से 3 दिनों में 10.5 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाता था, लेकिन इस बार इंडियंस ने होली पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है, जिसकी वजह से चाइना को अच्छा खासा घाटा हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और ये जानेंगे कि इंडियंस में कितनी ज़्यादा यूनिटी है कि वो मेड इन इंडिया को प्रेफर करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर, लेकिन पाकिस्तान आज तक जो है कपड़ा बनाने वाली सुई तक जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों को मेड इन चाइना पे तो ट्रस्ट है लेकिन मेड इन पाकिस्तान पर नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मोमिन। और आपका? वकास शाह। क्या करते हैं मोमिन आप? हम लोग जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। दोनों? जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। सर आपको पता है आज दुनिया भर में हमारे हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है और मज़े की बात यह है कि इंडिया के अंदर होली सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने तमाम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है, और ये चीज़ हमें आज होली के इस त्यौहार में देखने को नहीं मिली। हम बड़े अरसे से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया पर किस तरह से फोकस कर रहा है, मेड इन इंडिया इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। क्या कहना चाहेंगे कि आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया और पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हम आज तक जो है चाइना के किसी प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर सके प्रॉपर तौर पर। हमारे मुल्क में कोई भी त्यौहार हो हम तो चाइना के मेड पर ही भागते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेड को हमने कभी तरजीह नहीं दी। इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है, बिल्कुल सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते, हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर्फ है बोनस ब्रांड है,
हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, वो ट्रस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को, ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। बस वैसे कि मैं अब इंडिया घूम के भी आया हूँ, मैं पर्सनली मतलब हम लोग घूम के भी आए। अब इंडिया में जब भी जाते हैं ना, हम लोग बड़े स्टॉल्स पर जाते थे, तो इवन फॉर सिगरेट पैक, तो वो जो बड़ा स्टोर होता था वो कहता था कि यार आप वो जो सामने ठिया लगी हुई है ना, आप उससे जाके सिगरेट ले। हम बोलते थे क्यों, क्योंकि बोले कि हम उसने अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसको प्रमोट करने के लिए, यू नो। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट जो कि आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं। एंड इवन यर लाइक ओवर ईयर इन पाकिस्तान, हिंदूज आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट विच इज़ नोन टू इंडियंस। बट द ओनली पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं, आइदर मुस्लिम, आइदर हिंदूज, क्रिश्चियंस, एनी सिक्स, एनी वन। तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने लोगों पे ही ट्रस्ट नहीं करते, सबसे बड़ा फैक्टर ये। सर यही बात तो है, हम पाकिस्तानी होकर जब पाकिस्तानी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बाहर के मुल्क बैठे हुए कैसे पाकिस्तान मेड पर ट्रस्ट करेंगे। हम उन्हें कैसे कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, आप यहाँ पर आके जो है अपने प्लेटफॉर्म्स लगाएं, आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। अब आप देखें कि इंडिया पर सिर्फ इंडिया की आवाम ट्रस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया इंडिया पर ट्रस्ट करती है। मैं आपको बताता हूँ, आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पामोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती ग्रे चैनल से, और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोड़िया बाजार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे हुए आपको सारी इंडियन। हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का इंडियन दे दें, और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैनुफैक्चर्ड। यहाँ पर नहीं है, हालांकि वो एक ब्रांड है, हालांकि वो भी एक यूनिलीवर बना रहा होता है, मगर नहीं, अब हम इंडियन मांगते हैं। ये जो चीज है पाकिस्तान में रह के हम इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हालांकि अभी हमारी ट्रेड नहीं हो रही, और ये वो सामान है जो गिना जुना कुछ अरसे से पड़ा हुआ है, लेकिन हम वो खरीद लेंगे, लेकिन मेड इन पाकिस्तान ही खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ना, आपको अभी भी आप मार्केट जाएंगे ना, आप यूरोपियन ब्रांड उठाएंगे, आप इंडियन ब्रांड उठा लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, पाकिस्तानी नहीं उठाएंगे, ट्रस्ट ही नहीं है ना आपको। तो सर फिर पाकिस्तान इस तरह कैसे तरक्की करेगा? अब आप देखें इंडिया की तरक्की का राज यही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी आज से 10 साल पहले, अब तो उनकी माशाल्लाह के गवर्नमेंट को 2 टर्नओवर पूरे हो चुके हैं, और कह रहे हैं जी 3रा टर्नओवर भी उनका होगा। उन्होंने आते साथ एक कैंपेन स्टार्ट की कि भाई हम अपने मुल्क में कोई चीज़ जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में सुई हो या मिसाइल हम खुद बनाएंगे और हम उसको जो है एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप देखें उनके मिसाइल देख लें, उनका आप डिफेंस की चीज़ें देख लें, उनकी हर चीज़ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। एप्पल जो चाइना में मैन्युफैक्चर होता था आज इंडिया के अंदर बन रहा है। अब जो फ़ोन आएगा, जो एप्पल फ़ोन आएगा, उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा, नॉट मेड इन चाइना। देखिए इस वक्त इंडिया लिथियम का वर्ल्ड का नंबर 1 हो चुका है, चाइना को क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, लिथियम के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना इस वक्त न्यूक्लियर में यूज़ हो रहा है, और इस वक्त आपके सबसे जो करीबी चीज़ है वो आपका मोबाइल में यूज़ हो रहा है, जो कि इसकी बैटरी बन रही है। अन करीब नेक्स्ट 5 ईयर्स में टोटल प्रोडक्ट्स जो है ना लिथियम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, वो सारी आपकी इंडिया में बन रही होगी। और हम क्या है, पड़ोस में रह के ना इंडिया के साथ अच्छी मामलात भी नहीं है, जिसका हमें कॉस्ट भी ऊपर पड़ रहा होगा, क्योंकि वाया दुबई हम प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं इंडियन प्रोडक्ट। लेकिन सर अब हमारी जो नई सरकार बनी है, हमारे जो नए वजीरे खारजा आए हैं इसहाक डार साहब, अब वो बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड खोली जाए। अब आपने वही बात की कि हालांकि ये 60 किलोमीटर पर हमारा बॉर्डर है, हमने यहाँ से चीज़ नहीं लेनी, वाया दुबई मंगवा लेंगे, डबल टैक्स दे देंगे, लेकिन भाई बॉर्डर के जरिए हमने ट्रेड नहीं करनी। इंडिया हैज़ टोटली रिफ्यूज्ड पाकिस्तान फॉर द ट्रेड नाउ। इंडिया अब अपर लेवल पे जा चुके, अब हमारी ट्रेड है ना तंजानिया के साथ हो सकती है, हमारी ट्रेड कीनिया के साथ हो सकती है, इनफैक्ट हमारी ट्रेड श्रीलंका के साथ हो सकती है। सो वी आर नॉट एट द लेवल टू ट्रेड विद इंडिया, क्योंकि हमारे फिर भी हमें प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 हो चुका है इंडिया, हमारा 4.5 रुपया उनका 1, आप समझ रही हैं। अगर हम इनसे ट्रेड भी अब ओपन भी करते हैं ना, हम उस लेवल पे नहीं, फिर भी हमें चीज़ महंगी ही मिलनी है। सो इट्स बेटर कि अब हम अपना मैन्युफैक्चर करें। बट अगेन आपको पता है, आप नए सरकार की अगर आप बात कर रही हैं तो आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, वो वैसे ही चलना है, 6 महीने अच्छा होना है, वो वापस बुरा ही चलना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, जो है ना वो बदतर ही होते रहना, कभी अच्छा नहीं होना। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत नहीं कर सकते। देखिए अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, इमरान खान साहब ने कश्मीर के मद्देनजर रखते हुए जब कश्मीर से भारत ने आर्टिकल 370 रिमूव किया, इन्होंने ट्रेड बंद कर दी। अब वो आप देखें कि जो प्याज हमें इतना सस्ता मिलता था इंडिया में 25 रुपये किलो है, पाकिस्तान में हम रमज़ान के महीने में 250 से 300 रुपये किलो ले रहे हैं। आप केला देखें इंडिया में 40 रुपये दर्जन है, पाकिस्तान 350 रुपये दर्जन मिल रहा है। अनार का रेट आप, मैं आप जानकर कल मंडी गई हैरान होगी भाई, 1000 रुपए का 1 किलो अनार मिल रहा है आपको।
भाई देखें एक और बात बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे जितनी चीज़ यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर भी होता है ना, वो जो हमारे सेठ लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने का बिजनेसेस है ना, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, सीधी बात है। वो बोलते हैं भाई पाकिस्तानी आवाम को मैं 100 रुपये किले दर्जन क्यों दूँ, मैं 300 रुपये दर्जन में एक्सपोर्ट करके सऊदियों को ना दे दूँ, मैं दुबई को ना दे दूँ। यहाँ तक कि यहाँ आपको आपको बताता हूँ, आपका आपका ड्राई फ्रूट इसराइल जा रहा है दुबई के थ्रू। आपका इस वक्त क्वेटा से एक्सपोर्ट हो रहा है इसराइल दुबई के थ्रू वाया दुबई। तो सर इसीलिए फ्रूट महंगा हो रहा है ना। फ्रूट के रेट देखिए, आपको पता है इंडिया में प्याज महंगा होना शुरू हुआ तो इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा जब तक हमारी आवाम को सस्ता प्याज नहीं मिलेगा तब तक प्याज एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो अपनी व्हीकल्स नहीं एक्सपोर्ट कर रही है, अपनी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी एक्सपोर्ट रोक दी है। वो बोलते हैं मैं पहले इंडिया को पूरा करूंगा। माशाल्लाह उनका बड़ा एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों अंबानी है, अंबानी के अलावा रतन टाटा बैठा हुआ है, महिंद्रा बैठा हुआ है। आप बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, टाटा ग्रुप की एक जीडीपी ने पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को जो है ना नुकरे लगा दी। बजट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? अब ये जरदारी है, जरदारी हो गया नवाज शरीफ का। इतने टाइम में अपना फैक्ट्रीज लगा के लोगों को रोजगार लगा के यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे? इतनी की सोर्सेज थी, कर सकते थे, नहीं किया इन्होंने। इतने सारे कारखाने खोल सकते थे, इतने सारे फैक्ट्रियां खोल सकते थे, कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब मॉडर्न फाइबर जरदारी की बात करता हूँ, कब्जा किया, बंद पड़ा हुआ है, 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। क्यों? चलाते फैक्ट्री, एक्सपोर्ट करते प्रोडक्ट, क्यों उनके सोर्सेज नहीं दूसरे कंट्रीज में? नहीं किया उन्होंने और करना भी नहीं है उन्होंने। हमने ऐसे ही रहना है, आपने इसी तरह इंटरव्यू करते रहना है, हमने इसी तरह यही बोलते रहना है, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होना। आमना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आमना आपको पता है आज होली का एक त्यौहार था। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली कि होली के इस त्यौहार में इंडियंस ने जो है वो चाइनीज़ चीज़ों का, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया। होली से रिलेटेड जितनी भी गुड्स थी, प्रोडक्ट्स थी, उन तमाम का बायकॉट किया गया। और आपको पता है हर साल जो इंडियन है वो 10,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट गेन करते थे इंडिया की मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सेल करके। लेकिन इस बार जितना भी इंडियन बिजनेसमैन था उन्होंने अपनी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई और इंडियंस ने उनका साथ देते हुए तमाम मेड इन इंडिया चीज़ों को प्रेफरेंस दी, जिसकी वजह से चाइना की बजाय जो है वो इंडियंस को फ़ायदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? मैं तो ये कहूँगी कि यार ये लोग कहाँ से सोचते हैं, हर चीज़ के अंदर बिजनेस कैसे निकाल लेते हैं। और मतलब लाइक मुझे तो लगता है जैसे इंडिया की वजह से चाइना आइसोलेट होके रह गया, यू नो, मतलब कंपनीज वहाँ से जो है वो मूव कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं और शिफ्ट भी इंडिया में कर रही हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मतलब लाइक अनबिलीवेबली परफॉर्म करते हुए, इतना स्ट्रेटजिकली परफॉर्म करते हुए। आपको पता है ना कि जब हम लोग जियोग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया को कितना एज है कि उनके पास अपने सी पोर्ट्स हैं और वो लोग जो है बाकी कंट्रीज़ जो है वो इस चीज़ को कितना ज़्यादा जो है वो एक प्रिविलेज थिंग समझती हैं। चाइना बिकॉज इसके पास कोई बॉर्डर नहीं है तो वहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, चाइना अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है तो वो उनके लिए जो है वो एक्सपेंसिव रहेगी। बट बीइंग विद इंडिया, जब उनके पास अपनी पोर्ट भी है और अपनी सारी सप्लाईज भी हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो बिज़नेस की बात करते हैं, हम लोग जब भी इंडिया की बात की है, हमने जब भी देखा है कि इंडिया ने अपने बिज़नेस में कोई भी इनोवेशन क्रिएट किया है या फिर कोई भी नया स्टेप लिया है, इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ बेनिफिशियल स्टेप। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को डेप्थ में अगर देखें, आपने बात की जी कि 10,000 करोड़ का बिज़नेस चाइना करता था, अब वो 300 करोड़ पर आ गया, एक मेजर लॉस चाइना को फेस करना पड़ा, ठीक है। आप इवन दो इंडिया जो है वो दुनिया भर की सबसे बड़ी मार्केट है, इसके अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया का जो बॉलीवुड है कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनके सिनेमैटिक ड्रोन्स कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हर मूवी के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनके सिनेमैटिक शॉट्स ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इंडिया ने उसको बैन कर दिया 2020 में, आई गेस उन्होंने बैन कर दिया। बैन क्यों किया ये मैं बताती हूँ आपको, बैन इस वजह से किया है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, ठीक है, अनलेस और अनटिल आप हमें प्रूव करें कि इट इज़ वेरी नेसेसरी तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप जो है वो जर्मनी से या फिर समवेयर एल्स आप उसको कर सके, वरना आप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर घर में अपने बनाना पड़ेगा। इंडिया ने फोकस किया मेड इन इंडिया पे, मेड इन इंडिया की क्वालिटी पे, मेड इन इंडिया की वर्थ पे, और इंडिया आप देखें आज वो कहाँ पर पहुँच गया। हाँ, इंडिया ने कहा है कि भाई जो कुछ आप लोग बाहर से मंगवाते हो घर में बनाना शुरू करो। अब हमारा भी जो मैं कहती हूँ जवाल की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमने कभी मेड इन पाकिस्तान पर फोकस नहीं किया। और ओ भाई हम लोग जो
कपड़ा सीने के लिए सुई इस्तेमाल करते हैं, जो पाँव में पहनने के लिए जूता इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम के अंदर जो हमारे वो जो सामान लगा होता है वो सारा भी चाइना का है। ये अब मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक आप देखें आपका आपका कपड़ा आपकी ये आप जरूर आपके आप इस माइक पे तो चेक कर लें, आप कैमरे पे चेक कर लें, ट्राईपोड पे चेक कर लें, लाइट पे चेक कर लें, मेड इन चाइना ना मिले ना मैं आपको यहीं पे मिलूंगी, आप कसम से मेरे बाल काट देना यकीन करें। और मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े किए हैं, लेकिन सीरियस कह रही हूँ, व्हाट इज़ दिस कि हम लोगों को मेंटली मफलूज कर दिया गया है, पैरालाइज कर दिया है कि भाई बाहर से चीज़ ले आओ। हम लोग इस तरह से मेंटली यू नो मोल्ड हो चुके हैं कि हम लोगों ने खुद तो प्रोडक्शन करनी नहीं है। हमारे हमारे यहाँ पर हमारे लीडर्स मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं हम जॉब्स जनरेट नहीं कर सकते, हम आपको लैपटॉप देते हैं आप ऑनलाइन कमाएं। हम जा कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आता हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जाना कहा है और हम लोगों ने करना क्या है। यही देखिए ना, अब इंडिया इसीलिए कहां से कहां पहुंच गया कि उन्होंने मेड इन इंडिया पर फोकस किया। आपने कहा कि हमारे मुल्क में कपड़ा सीने वाली जो सुई है वो भी हम चाइना से लेते हैं, लेकिन इंडिया इस सुई से लेकर मसाइल तक अपने मुल्क में बनाता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया मेड इन इंडिया पर ट्रस्ट करता है, पूरी दुनिया का ट्रस्ट गेन किया हुआ है। और हम देखिए हम ना हमें चाइना पर ट्रस्ट है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब ये इसी चीज़ का मैं आपको जवाब देती हूँ, हम जब मेड इन पाकिस्तान को बात करते हैं ना तो हम कहते हैं ये लोकल है। अब लोकल का मतलब हमारी ऑडियंस ने चेंज कर दिया है, हमारे लोगों ने लोकल का मतलब है कि इसी एरिया में बना हुआ है, दैट इज़ फाइन। हमने लोकल का मतलब है यार ये सब स्टैंडर्ड है, इसका मैार ही नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। हम लोगों ने लोकल की डेफिनेशन चेंज कर दी हुई है, हमारे लोगों को अगर कह दिया जाए यार ये चीज़ लोकल है वो छोड़ के चले जाते हैं। लोकल का मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि भाई वो इसी एरिया का बना हुआ है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जिस चीज़ को आप दुकान पर चली जाएँ वो आपके पास दो चीज़ें रखेगा, कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ईद आ रही है, आप मेहंदी रखें एक साइड पे, भाई उसने 1000 रुपये की मेहंदी रख देनी, 1000 की तो खैर नहीं आती, 500 की मेहंदी रख देनी, एक साइड पे उसने 50 की रख देनी है, उसने कहना ये इम्पोर्टेड है ये लोकल है। भाई वो चाहे 10 गुना उसकी रेट ज़्यादा है, आपने इम्पोर्टेड ही रखनी क्योंकि उसके साथ इम्पोर्टेड लगा हुआ है, दैट्स ऑल। हम लोगों ने हमारी मैंटेलिटी ने हमारे इस सोसाइटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो है मेंटालिटी चेंज कर दी हुई है। भाई लोकल का मतलब है कि ये है ही सब स्टैंडर्ड, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। भाई लोकल को इस्तेमाल करो, उसको इज्जत दो, ठीक है। आप लोकल को लोकल, आप लोकल पाकिस्तानी चीज़ को हम समझते ही कुछ नहीं है। आप देखें पाकिस्तानी ब्रांड्स पर आ जाएँ, हम यहाँ पर लोकल जो है वो कपड़े बना रहे हैं। मैम आप मुझे एक सूट, एक मिडिल क्लास बंदा एक ईद का सूट मुझे ख़रीद के दिखा दे हर बंदे अपने पूरे ख़ानदान के लिए, हो ही नहीं सकता सर। 35,000-25,000 नीचे बात ही नहीं हो रही, ठीक है। ये लोकल चीज़ों का, अच्छा जो लोकल मयारी चीज़ें हैं उनका तो हाथ ये है कि उनको हाथ ही नहीं डाला जा सकता, ठीक है। जो लोकल चीज़ है उसको आप देख ले वो, आप देखो यही इंडिया की जो चीज़ें हैं मेड इन इंडिया लोकल चीज़ें वो कितनी सस्ती हैं, बिल्कुल। आप उनका कोई भी चीज़ उठा के देख ले, कोई भी, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर आपको टेस्ला 20 लाख में मिलती है। आप ये सोचें यहाँ पर मैं और हम लोग बैठे हुए थे आज अभी शुगर में हम गाड़ियाँ देख रहे हैं पार्क व्हील्स के अंदर, यार करोड़ों के नीचे बात नहीं कर रहे हैं लोग यार, मतलब गरीब आदमी गाड़ी का ख्वाब भी नहीं देख सकता। बाकी आप छोड़ दें सारी चीज़ें। सर आपका नाम? ज़खार हबीब। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। सर आपको पता है कि पूरी दुनिया में हमारी जितनी भी हिंदू बरादरी है, हिंदू कम्युनिटी है, आज उन्होंने अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस होली पर उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट किया है। हर साल चाइना जो है वो होली के त्यौहार पर 10,500 करोड़ का जो है बिज़नेस बनाता था, मुनाफा कमाता था, लेकिन इस बार जितने भी इंडियन बिजनेसमैन हैं उन्होंने मेड इन इंडिया होली प्रोडक्ट मार्केट में थ्रो किए और तमाम इंडियंस ने यूनिटी दिखाते हुए उनका साथ दिया और चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट किया। क्या कहना चाहेंगे इंडियन की इस यूनिटी पर? जी उनकी जो यूनिटी है उस पर तो वाकई इट्स कमेंडेबल। बेसिकली बात यह है अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें, आपके जितने त्यौहार थे जैसे आप कह लें बसंत, आप कह लें शबे बारात, अगर आप शबे बारात को लें इन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप बात करें पटाखों की, हमारे दिल्ली दरवाजे में और इस तरह की जगहों पे बिकते थे, उसका ये होता है कि वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ही है। आपकी दिल्ली दरवाजे में पटाखे बिक रहे हैं, जैसे ही आप ले कर बाहर आते हैं तो आगे पुलिस खड़ी होती है दिहाड़ी लगाने के लिए, वहाँ काम ख़त्म हो गया। मेड इन चाइना की प्रोडक्ट्स हैं वो बेतहाशा चल रही हैं, आपने अपनी एक्सपोर्ट खुद ख़त्म कर दी। हमारे जिन लोगों की ऑलरेडी यहाँ काम चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, हम वो बंद करके बैठ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड
हम चाइना को कभी भी नहीं कम्पीट कर सकते। टेक में चाइना आगे है, बाकी चीज़ों में आगे, इनिशिएटिव नो डाउट ये उनका बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर त्योहारों पे आएँ, आप बसंत बंद कर बैठे, उससे रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं रह जाती मार्केट में। अगर आप बात करें कि मेड इन पाकिस्तान आए, इवेंट से रिलेटेड हम खुद अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। इसमें हम किसी से अपने आप को कॉम्पिटिशन में अगर लेके आएँ, उस कॉम्पिटिशन में आने से पहले आई बिलीव हमें अपने आप की कोई स्टैंडिंग रखनी चाहिए जिससे हम कॉम्पीट कर सकें। अगर इंडिया ने ये चीज़ कॉम्पीट किया वो इसलिए किए कि चाइना से कम्पिटिटिवली उनके बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, हम तो उसके करीब ही नहीं आते। सर देखें, ये यहाँ पर बात सिर्फ इवेंट्स की नहीं हो रही, हमने अगर ओवरऑल हम जायज़ा लें तो इंडिया मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार आने के बाद पहला जो काम किया, उन्होंने मेड इन इंडिया एक कंपेन लॉन्च की कि तमाम चीज़ें भाई इंडिया में बनेंगी और हम जो है दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करने की बजाय अपने प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। आप मुझे बताएँ, क्या कभी हमने मेड इन पाकिस्तान पर फोकस किया है? त्योहारों को छोड़े, हमारे मुल्क में शायद हम ईद पर सवैयां भी जो है वो मेड इन पाकिस्तान खाना पसंद नहीं करते, तो मुझे ये बताएं कि उसके अलावा हम इवेंट्स को साइड पर रखकर बात करें, अपने कपड़े की आप मार्केट देख लें, आप मेकअप की आप इंडस्ट्रीज देख लें, आप खाने पीने की अशिया देख लें, आपको लगता है कि हम जो है इस तरह मेड इन पाकिस्तान को जो है तरजीह देते हैं जिस तरह इंडिया मेड इन इंडिया पर फोकस करता है? अगर आप देखें जो आपके बनस्पति राइस हैं, मेड इन पाकिस्तान होते थे, जो बनस्पति राइस हैं उसकी हम एक्सपोर्ट के लिए, हम चावल हमारे यहाँ से जाता है, पैकिंग का जो नाम है वो बनस्पति इंडिया को दे दिया हुआ है, हमने खुद पैसे दो चार कमाने के लिए राइट्स बाकियों को दे दिए हैं, तो चीज़ हमारे यहाँ से ही जाती है। आपका नाइकी रीबॉक पूमा जब भी बाहर से हमारे रिलेटिव्स हैं लेके आते थे कपड़े, मेड इन पाकिस्तान का टैग होता था, एक ब्रांड रिनाउंड होती थी चीज़। अब बांग्लादेश आता है, अब आपका टर्की आ जाता है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कॉटन भी ख़त्म हो रही है, हम खुद अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। अगर मेड इन पाकिस्तान की कैंपेन लें, आप खुद सोचें कि अगर कोई मेड इन पाकिस्तान की शर्ट या कोई चीज़ पड़ी होगी या कुछ जूते कुछ भी, कितने पाकिस्तानी हैं जो लेना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं। तो बस आपके सामने खुद ही। आपने बात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि पहले वहाँ के कपड़ों के ऊपर लोगो होता था मेड इन पाकिस्तान, आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में रही नहीं, पाकिस्तान अपनी तारीख के जितने बदतरीन मौसी बहरान से गुजर है वो सब तो जो है बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है ना फैक्ट्रीज, तो लिहाजा अब हमें टैग भी बांग्लादेश के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई शक नहीं है। अब उसके अंदर यही है कि पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा, बट वो यही बात है कि अगर हम मेड इन पाकिस्तान और इन चीज़ों को फोकस करें, आज तक हिस्ट्री में कभी भी किसी मुल्क के इलेक्शंस हफ्ता डिले नहीं हुए। अगर आपस में ही, मतलब जिन्होंने इन चीज़ों को लेके आगे चलना है, कैंपेन्स को लेके चलना है, अगर उनके बीच में ही आपस में डिसाइसिवनेस नहीं है, तो मेरे नहीं ख्याल से अवाम क्या करे उसमें और लोगों का क्या होगा। अब आप यही देख लें कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आज से 10 साल पहले कहाँ था, मेड इन इंडिया ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कोई ऐसी चीज़ जो उनके मुल्क में ना बन रही हो, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है। आपने बताया कि आप आईटी से रिलेटेड हैं, अब आप ये देख लें कि वहाँ पे आईटी का कितना बड़ा हब है। मैं ऐसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपका जो आईफोन 15 है, ये रिसेंटली पहले जो आपके आईफोन थे वो डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया थे, असम्बल्ड इन चाइना थे। लास्ट जो आपका आईफोन 15 आया उससे पहले जो टिम कुक हैं वो अंबानी के पास गए, उन्होंने पूरा उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सारा इस्टेब्लिश किया। अब जो लेटेस्ट आईफोन आपका आया है वो आपका इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, आप उसको करीब करीब भी कम्पीट नहीं कर सकते। मार्क जकरबर्ग जा रहे हैं उनकी शादी पे, बिल गेट्स जा रहे हैं, यहाँ तो हमारे अपने ही लोग नहीं आ पाते पूरी तरह से। तो वो टेक में और बाकी चीज़ों में हम अपने आप को खुद पीछे कर रहे हैं, इसमें इंडिया शायद कोई कमाल नहीं कर रहा, हम लोग खुद ही उस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे या सारे पैसों के पीछे। तो मामला कब तक चलते रहेंगे, कब तक हम हमसाया मुल्क भारत की तारीफ़ें करते रहेंगे? वो आए दिन कोई ना कोई मिशन लॉन्च कर देते हैं और पाकिस्तान अभी तक 70 सालों से मौसी बहरान से नहीं निकल पा रहा। मेरे ख्याल से इसमें ये चीज़ है कि अगर हमारी एक तरह से ज़ाती खसलत बदले ना, हम में ये चीज़ है कि हम कहते हैं जी हमारा ये हुक्मरान आया, उसने ये चीज़ नहीं की, इस वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई, खान साहब आए उन्होंने ये नहीं किया, नवाज शरीफ आया उन्होंने ये नहीं किया, आया अगर ये देखा जाए वो लोग भी तो हम में से ही निकले। अगर हम लोग खुद अपने आप को ठीक करने पे नहीं आ सकते तो मेरे नहीं ख्याल से कोई आके अल्लाह की तरफ से हमें कोई ठीक कर सकता है। तो पहले अपने अंदर सेल्फ चेंज लाएं और फिर आगे तवक्को करें। तो ये चीज़ फ्रॉम विद इन चलने वाली है, इसमें हम किसी पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, अपने आप को पहले बदलें फिर ही खुद ही आगे मुल्क बदलेगा या कोई तब्दीली आएगी, वरना तो कुछ नहीं होने वाला।